नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। छिंदवाड़ा चोरई क्षेत्र में लगातार यूरिया की अनियमितता के साथ अत्याधिक दामों पर यूरिया बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते चोरई कृषि विस्तार अधिकारी उमेश पाटिल द्वारा शासकीय एवं निजी संस्थानों में जाकर सतत निरीक्षण किया जा रहा है। यूरिया का रेक आते ही शासकीय एवं निजी संस्थानों में किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 266.50 रूपए प्रति बोरी के हिसाब से कृषि विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण विस्तार अधिकारी की उपस्थिति में यूरिया वितरण कराया जा रहा है। जहाँ कहीं भी अनियमितता होगी वहाँ वैधानिक कार्रवाई की बात भी कही गई है। कृषि विभाग के निर्देश के अनुसार यहाँ शासकीय मूल्य पर 266.50 रूपए के हिसाब से यूरिया वितरण का कार्य किया जा रहा है। अभी तक कितने लोगों को वितरण हो गया? 1000 लोगों को वितरण कर चुका है। हाँ, आपका परिचय? सुनील सनोडिया जी, मार्केटिंग सोसाइटी प्रबंधक। क्षेत्र के कृषकों की यूरिया की पूर्ति करने के लिए हमने यहाँ पर एक मार्केटिंग का एक काउंटर शुरू किया है, जिसमें आप देख रहे होंगे तीनों चारों अधिकारियों को हमने लगाया है, ताकि किसानों को जो है सुचारू रूप से यूरिया जो शासन का निर्धारित मूल्य है 266.50 रूपए उसमें मिल सके। सारे किसानों को बिल्कुल यह यूरिया सुचारू रूप से वितरण किया जा रहा है, कोई कोई समस्या नहीं। साथ ही हमने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के क्षेत्र में जो प्राइवेट विक्रेता है उनके यहाँ ड्यूटी लगाई है, उसके आदेश भी हमारे उप संचालक कृषि छिंदवाड़ा द्वारा जारी किए गए हैं। उक्त आदेश के पालन सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निजी विक्रेताओं के अभी जा रहे हैं, नियमित रूप से वहाँ बैठ रहे हैं और किसानों को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य उसमें यूरिया वितरण कर रहे हैं। से खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।